स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। विदिशा जिले के नवागत एसपी रोहित काशवानी ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराध नियंत्रण के लिए अलग से प्लान बनाया जाएगा, तो वही सीसीटीवी कैमरे भी सुचारू रूप से संचालित किए जाएंगे। जहां पर कैमरे खराब हो गए हैं उन्हें बदला जाएगा। अपराध किसी भी प्रकार का हो उसे नियंत्रण करने के लिए अलग अलग रणनीति तैयार की जाएगी, जिसको लेकर पत्रकार वार्ता में बात करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कैमरे का रिकॉर्ड मंगवा कर खराब कैमरों को बदलवा कर उनकी जगह नए कैमरे लगाने की बात कही। आर्थिक रूप से सामाजिक संगठनों की मदद भी ली जाएगी, जहां जरूरत लगेगी जन सहयोग के माध्यम से अपराध नियंत्रण के लिए पूरी कोशिश करेंगे। पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों से सुझाव भी मांगे और उन समस्याओं का निराकरण करने की बात कही। यहाँ रेडियो का ऑफिस है वहाँ से, और दूसरी बात ये मैं कल ही मैंने सूची बनाई कितने कैमरे चालू है कितने नहीं है, वो एक दो दिन में रैंडमली मैं भी चेक करूंगा। मैं जहाँ कल की सूची जिले में 25 तारीख की प्राथमिकता आपकी मैं उपलब्धि किस तरीके से आपको करना भूटान जैसा की ये विदिशा में अभी मैंने ज्वाइन किया है। मैं रोहित काश्मीर 2017 बैच का अधिकारी हूँ और अभी कल ही मैंने पुलिस अधीक्षक विदिशा के पद पर यहाँ ज्वाइनिंग दी है। यहाँ जिले में जो पहली हमारी प्राथमिकता रहेगी वो तो ये है कि प्रत्येक आवेदक की सुनवाई हो, सबसे अच्छा व्यवहार हो और संवेदनशीलता पूर्ण रखी जाए, ये सबसे पहली प्राथमिकता है। कोई भी आवेदक पुलिस के पास हमेशा अपनी परेशानी में ही आता है, वो पुलिस से उम्मीद रखता है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी उसकी उम्मीद हैं उस पर खरा उतर सके। कानून व्यवस्था हमारी प्रायोरिटी रहेगी। अपराधों पे लगाम में जैसा खासकर बताया गया है अभी चर्चा में कि यहाँ मादक पदार्थों की काफ़ी दिक्कत है और चोरी का, तो उन पर लगाम लगाना भी हमारे लिए चैलेंज रहेगा, वो भी हमारे लिए फोकस में रहेगा। अभी आगामी त्यौहार आ रहे हैं तो पटाखा दुकानें उन सब का विजिट करना और शासन की गाइडलाइनों के अकॉर्डिंग दुकानें लगवाना, उसके लिए हमारी टीम तैयार है और प्रत्येक जगह भ्रमण भी कर रही है। साथ ही जो पुरानी शिकायतें हैं सी एम हेल्पलाइन की शिकायतें, उसमें भी आवेदकों को बुला के और उनकी जो सहायता हम कर सकते हैं वो करके उनका निकाल कराना, पुरानी पेंडेंसी का निकाल कराना, उसके लिए हम लोग लगे हैं। और हमारा पुलिस स्टाफ जो है उसको हम लोगों ने मीटिंग ली है तो पूरी चीज़ उनको बताई है ये सभी की कोई भी आवेदक परेशान ना हो, हम ये पूरी कोशिश करेंगे। और सभी से यही अपील है कि सहयोग करें पुलिस का, और आप सभी के सहयोग से हम विदिशा को एक अच्छा क्षेत्र और अच्छा जिला बनाएंगे जहां कानून व्यवस्था उत्तम रहे और जो हमारे अपराध हैं उनकी रोकथाम हो। मेरा नंबर है 7014097224, कभी भी कोई भी परेशानी है आप बेचक कभी भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत। जाम लगाने की हिम्मत नहीं करेगा आदमी, दो तीन मेन चौराहे उनका ट्रैफिक कर्मी जरूर होना चाहिए। बड़ा बाजार है, तिलक चौक है, माधोगंज है, तीन चार चौराहे से कंट्रोल हो जाता है सर। एक पीतल मिल है सर वहाँ पे तो बहुत ज्यादा होती है। हाँ कोई भी प्रेस कर्मी हो तो कंट्रोल हो जाता है, अब कोई नहीं है तो खड़े ही गाड़ी है या नहीं। एक सिस्टम ऐसा डेवलप करें कि नेटवर्क को हम पकड़ें और दूसरा जो है कम से कम जो लत के शिकार हैं उनसे लत छुड़वाने के लिए ऐसा एक सिस्टम तैयार है। पहली चीज जागरूकता, दूसरी चीज कार्रवाई, तीसरी चीज यदि कोई फंसते हैं इसमें उनको तीनों क्षेत्र। बिल्कुल आपकी बात सही है, बहुत संभावना है सर जिले में यहाँ काम करने की इस क्षेत्र में, क्योंकि गंजबास होता तो एक बदनाम हो चुका है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सर जिले में पुलिस बल की काफ़ी कमी है,